नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली में हुई एक ऐसी वारदात की, जिस वारदात के कारण एक पिता को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसका भाई, पिता का बेटा अस्पताल में भर्ती है गंभीर रूप से, और पूरा मामला जुड़ा हुआ है छेड़छाड़ की घटना से। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के मोती नगर क्षेत्र में हुई इस घटना ने यह तो साबित कर ही दिया है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली कितनी सुरक्षित है, वहां पर किसी भी आम आदमी का जीवन कितना कठिन है और कितना रिस्की है और कितना जोखिम भरा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक पिता अपनी बेटी का इलाज कराकर देर रात को जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो पिता उसे इलाज कराने के लिए ले गया। इलाज कराने के लिए ले गया, इलाज में देरी हो गई। करीब 12:30 बजे पिता और बेटी इलाज कराकर लौटे अस्पताल से। मोतीनगर क्षेत्र में उनका निवास था। मोतीनगर क्षेत्र के कुछ समय पहले कुछ दूरी पर 4-5 गुंडे खड़े थे। उन्होंने लड़की को देखकर फप्तियां कसना शुरू कर दी, छेड़छाड़ करना शुरू कर दी, अश्लील भाषा का उपयोग शुरू कर दिया। यह देखकर किसी तरह से पिता ने अपने ऊपर काबू पाया और लड़की की बीमारी को देखते हुए, लड़की के इलाज की स्थिति को देखते हुए पिता उसे अपने घर लाए और वापस अपने बेटे के साथ लौटे उन गुंडों को समझाने के लिए कि वो जो कुछ कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। उस समय भी लड़की के पिता ने उन गुंडों से कहा था कि तुम्हारी भी माँ बहने हैं और जो कुछ तुम कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे। लेकिन शराब के नशे में धुत इन गुंडों ने जब उसके पिता और उसके भाई वापस लौटे और उनको जब समझाने की कोशिश की तो उन्होंने पिता पर हमला कर दिया। चाकुओं से उनके ऊपर वार किए गए और उसके बाद उनकी दर्दनाक मौत हो गई। बेटे पर भी हमला किया गया, बेटे को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। बेटा इस समय अस्पताल में भर्ती है। तो देखिए, यह है दिल्ली की सड़कों का हाल। दिल्ली जहां की कहा जाता है कि पूरी रात कोई सोता नहीं है, इस महानगर में रात को भी उतना ही चमन रहता है जितना कि दिन में। और ये राजधानी है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक की सुरक्षा की गारंटी देते हैं और आप पार्टी का शासन है दिल्ली में, जहां मुख्यमंत्री केजरीवाल कहते हैं कि वे आम आदमी की लड़ाई लड़ते हैं, आम आदमी के नेता हैं और आम आदमी उनके राज्य में सुरक्षित है। तो क्या आम आदमी इसी तरह से सुरक्षित है कि एक पिता अपने बेटी का इलाज कराने के बाद जब घर वापस लौट रहा था तो वो सुरक्षित घर नहीं पहुंच पाया, उसे छेड़छाड़ का शिकार होना पड़ा। और दिल्ली पुलिस के माथे पर भी ये बहुत बड़ा कलंक है। दिल्ली पुलिस को इतने बड़े कलंक के बाद क्या करना चाहिए, यह तो इसके वरिष्ठ अधिकारी तय करें। लेकिन पूरे देश में संदेश यही गया है कि दिल्ली में न तो आप पार्टी के शासनकाल में आम आदमी सुरक्षित है, उसकी अस्मिता सुरक्षित है, उसकी इज्जत सुरक्षित है, किसी लड़की की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है, और न ही इस समय जबकि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तब बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, आम आदमी को बड़ी बड़ी लुभावनी बातें कही जा रही है। लेकिन सबसे पहले आम आदमी की सुरक्षा तो तय हो। एक परिवार उजड़ चुका है, लड़की का इलाज कराना उस पिता को इतना महंगा पड़ा कि गुंडों के हाथों उसकी बेमौत मौत हो गई। बेरहमी से उसे मार दिया गया, भाई को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। कुल मिलाकर क्या यही आम आदमी का शासन है और कुल मिलाकर यही क्या नरेंद्र मोदी का केंद्र में शासन है और यही क्या दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली है कि एक व्यक्ति आज भी दिल्ली में अपने परिवार के साथ सुरक्षित नहीं है। आप इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए घमासान.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।